करेंगे मेथड्स की और उसके एम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके एम्स की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं जिसको लेकर एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो जुड़ा होता है हमारी भावनाओं से, तो उसको कहते हैं। अब भावनात्मक उद्देश्य में क्या क्या चीजें शामिल किया जाता है? एक सबसे पहला क्या होता है कि मानव के जितने भी उसकी एक्टिविटीज है, गतिविधियां है, या मानव जो भी उसके विचार है, उन सारों के बारे में जानना, उनके बारे में सुनना, वो सारा क्या है भावनात्मक उद्देश्य में रहता है। दूसरा क्या है, एक मानव से दूसरे मानव के भावनाओं की कद्र करना, उनको उनके बारे में जानना, ये भावनात्मक उद्देश्य में रहता है। तीसरा क्या है, पर्यावरण और के बारे में भावनात्मक रूप से जुड़ना, यानी जो नेचर है उसके प्रति कैसा व्यवहार करना, एक सॉफ्ट व्यवहार करना। इसके साथ साथ क्या है कि आप जो जीव जंतु है हमारे उनके बारे में जानना, उनसे जुड़ना। तो भावनात्मक बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, मानव से जुड़ा है, यानी मानव की जो भावनाएं है उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है, या एक एक मानव का व्यवहार दूसरे मानव के व्यवहार के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानना। उसके बाद क्या है, जीव जंतुओं के बारे में जानना, यानी जीव जंतु जो है उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना, उनके प्रति क्या है सकारात्मक भाव रखना। तीसरा क्या है, प्रकृति से जुड़ना और प्रकृति के साथ कैसा रखना, भावनात्मक रूप से उसके साथ सकारात्मक व्यवहार रखना, ही क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये पहला जो उसका उद्देश्य था वो था भावनात्मक उद्देश्य। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य की। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है, ज्ञानात्मक उद्देश्य जुड़ा हुआ है तरह तरह की नॉलेज से, यानी हमें किस किस की नॉलेज हो, प्रकृति के बारे में जानना, ठीक है, उससे जुड़ना, उसके बारे में और नई नई जो चीजें हैं उसके बारे में जानते रहना, यानी प्रकृति से जो जुड़ाव है वो ज्ञानात्मक रूप में, यानी उसके बारे में नॉलेज लेना। इसके बाद क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज लेना कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कौन सा पर्यावरण प्रदूषण है, वो किस फैक्टर से ज्यादा इफेक्ट होता है, तो इन सारे की नॉलेज रखना दूसरा इसका उद्देश्य। तीसरा क्या उद्देश्य है, जीव जंतुओं के बारे में जानना, ठीक है, यानी इनके बारे में नॉलेज रखना कि कौन से जीव जंतु किस रीजन में पाए जाते हैं, उनके लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होती है, तो इन सारे के बारे में जानकारी देना क्या है एनवायरमेंट एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ क्या है कि आपके जितने भी एनवायरमेंट पॉलिसीज है, उनके बारे में हमें क्या है नॉलेज होनी चाहिए, तो उसका काम कौन करता है, एनवायरमेंट एजुकेशन करता है, आपको एनवायरमेंट पर्यावरण की जितनी भी नीतियां बनाई गई है उन सब के बारे में जागरूक करने का, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य। फंक्शनल एम, फंक्शनल एम क्या है, क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक बेसिकली जुड़ा हुआ है आपके कार्यों से। अब इन कार्यों में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे लोगों को जागरूक कराने का काम, ठीक है, यानी अवेयरनेस का काम हम कर सकते हैं। इसके साथ क्या है, पेड़ पौधे लगाने का काम हम कर सकते हैं। ये क्रियात्मक उद्देश्य होता है कि लोग जो है काम करें, पेड़ पौधे लगाने का काम करें, जिससे एनवायरमेंट क्या हो थोड़ा सा और अच्छा हो, ठीक है। इसके बाद क्या करा जा सकता है, जनमानस में प्रचार प्रसार, ये काम भी क्या है फंक्शनल एम में आता है कि जनमानस को क्या करना है, एनवायरमेंट की एजुकेशन देनी है, उनको पर्यावरण के प्रति क्या करना है अवेयर करना है। इसके साथ और क्या किया जा सकता है, लोगों को प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करना,
क्या क्या मुख्य उद्देश्य है कि पहले लोगों को जागरूक करें, ये फंक्शनल हो गया इसका, पेड़ पौधे लगाए जितना ज्यादा सके ये फंक्शनल हो गया, जनमानस में प्रचार प्रसार करें एनवायरमेंट का, ये इसका फंक्शनल हो गया, प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करें लोगों को, तो ये इसके फंक्शनल में आ गया। इसके साथ साथ क्या है, जीव जंतुओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, वो भी क्या है आपका फंक्शनल जो वर्क है उसमें आ जाता है, फंक्शनल एम में इसका जाता है, क्रियात्मक उद्देश्य में। तो ये आपके तीन उद्देश्य थे इसके कि पर्यावरण के क्यों किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से इसके मेन एम्स और उद्देश्य है जिसको लेकर एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो पूरा बनाया गया, कौन कौन से इसके मेथड्स है। यानी कौन कौन सी विधियां है जिसके द्वारा है क्या है एनवायरमेंट एजुकेशन हम लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहली विधि क्या है आपकी, वाद विवाद करके, यानी चर्चा परिचर्चा करके, या किसी भी एक एनवायरमेंट के टॉपिक पे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, इन टॉपिक को किसी एक को सिलेक्ट करके उस पर क्या करे, वाद विवाद करा जाए, चर्चा की जाए, डिबेट्स रखी जाए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट एजुकेशन लोगों तक प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा क्या है, परिचर्चाएं रखते, यानी आप सभी ने देखा होगा कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो उनमें बेसिकली क्या काम होता है, एक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो ज्योग्राफिकल कंसर्न में होता है, तो उन ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स पर क्या है चर्चाएं की जाती है, परिचर्चाएं होती हैं। तो इसलिए क्या है, परिचर्चा भी एक माध्यम है, एक विधि है एनवायरमेंट एजुकेशन को लोगों तक प्रोवाइड कराने का। इसके बाद तीसरा क्या है, खेल विधि। तो खेल विधि क्या है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगों को खेल खेल में ही क्या सिखा सकते हैं, एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। जैसे जो ये बेसिकली किसके कंसर्न में है, ये बेसिकली जो बच्चे हैं उनके कंसर्न में होता है कि बच्चों को क्या करें, छोटे से लेवल पर ही खेल खेल में क्या सिखा दिया जाए, एनवायरमेंट के बारे में एजुकेशन दे दी जाए। जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी क्या करें, एनवायरमेंट एजुकेशन जो है वो खेल विधि से ही प्रोवाइड कराई जाए। इसके बाद चौथी क्या आती है, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम क्या करें कि खुद जाकर क्या करें, चीजों को ऑब्जर्व करें, देखें एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है और किस प्रॉब्लम का किस ह्यूमन पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम खुद क्या है फील्ड में जाकर सर्वे करें और उसके बारे में जाने, तो ये क्या कहलाती है आपकी, निरीक्षण विधि कहलाती है। इसके बाद एक क्या है, भ्रमण विधि, इसको टूरिज्म मेथड भी कह सकते हो। तो टूरिज्म मेथड क्या कहता है कि हम क्या करें, एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद घूमें और उसके बारे में जाने, एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये क्या है आपके मेथड्स हैं जो क्या करते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन को। लास्ट क्या कहता है इसमें, एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब क्या किया जाए कि एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ से शुरू हो जानी चाहिए आपकी, बेसिकली किस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसके कंसर्न में क्या कहा गया है कि सबसे ज्यादा स्कूल लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। दूसरा क्या है कि एजुकेशन क्या है, कॉलेज लेवल तक भी जाना, बड़े बच्चों तक भी जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्कूल्स में क्या क्या जाए, एक तो जो आपके आपने देखा भी होगा जितने भी आप चैप्टर्स होते हैं हमारी बुक के, उसमें एक या दो चैप्टर्स किसके रखे जाते हैं, एनवायरमेंट एजुकेशन के ऊपर रखे जाते हैं, पर्यावरण शिक्षा के ऊपर होते हैं। दूसरा, कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जो काम करती है आपकी एनवायरमेंट के प्रति हमें शिक्षित करने में, या फिर एनवायरमेंट से जुड़ने के लिए वो क्या है लगी रहती है काम में। तो आप सभी ने सुना होगा कॉलेज और स्कूल्स में कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, और एक होता है स्काउट एंड गाइड।
तो ये जो आपके यूनिट्स है तीनों की तीनों, ये क्या इसमें क्या काम किया जाता है? जैसे वृक्षारोपण का काम करा दिया, तो वृक्षारोपण किससे जुड़ा हुआ है? बेसिकली आपका एनवायरमेंट एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या कर देता है, जैसे एनएसएस और एनसीसी, इस तरीके की यूनिट जब पूरी की पूरी वृक्षारोपण का काम करती है, कोई अन्य पर्यावरणीय काम करती है, तो उनके लिए क्या है, पर्यावरण के प्रति एक जो अलग भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए क्या है, ये यूनिट्स क्या काम करती है, स्कूल और कॉलेज में बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ने का काम करती है। और इसके साथ साथ क्या किया जा सकता है, स्कूल्स में बच्चों के लेवल पर क्विज ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं। इसके साथ साथ उनको खेल विधि द्वारा क्या है, सारी चीज समझाई जा सकती है। यानी एक स्कूल के बच्चे को एजुकेट करना काफी इम्पोर्टेंट होता है एनवायरनमेंट एजुकेशन के प्रति। तो ये बेसिकली था आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन, और इसके साथ ये टॉपिक आज का हमारा खत्म होता है।